खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर घर में घुसकर चोरी करने वाले 3 छात्र चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नरेट के DCP पूर्वी तेज स्वरूप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि दिनांक 10 नवंबर 2023 को आकाश गंगा बिहार कॉलोनी में एरवा थाना चकेरी के निवासी नरेंद्र गुप्ता घर में पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर घर में घुसकर उनकी पुत्री को डरा धमका कर नकदी व जेवर की लूट करी थी, जिसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू करी और मुखबर की सटीक सूचना पर एयरपोर्ट तिराहे के पास से पुलिस ने तीनों छात्र राकेश कुमार सरोज, सुमित विनोद सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से नकदी व जेवरात समेत तकरीबन 40 लाख का बरामद कर लिया। तीनों ही आरोपी नौबस्ता व बाबूपुर व कानपुर के ही रहने वाले। DCP ने बताया कि इस घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया जाएगा। देखिए, दिनांक 10/11/2023 को यानी धनतेरस के दिन थानांतर्गत चकेरी अहिरवा चौकी के अंतर्गत एक घटना हुई थी कि नरेंद्र गुप्ता के घर में जब वो अपनी पत्नी सहित अपनी बड़ी बेटी के साथ अपने रिश्तेदारी में गए थे तो दो लोग आए और उसकी जो एक लड़की थी न्यासा और एक छोटा सा लड़का था तो उसके घर में गए, उसको नाक किया। नाक करने पर कहा कि आपने पिज्जा मंगाया था, तो उसने कहा कि नहीं, हमने पिज्जा नहीं मंगाया। फिर अंदर धक्का दिया दरवाजे पर और अंदर घुस गए, अंदर से गेट बंद कर लिया और उसने घर में रखे हुए नकदी और जेवरात उसको पूरा उठा करके ले गए। इसके सूचना पर जो वादी ने सूचना दिया था उसी समय ही उसी दिन मुकदमा थाना चकेरी पर पंजीकृत किया गया था, क्योंकि ये एक तो त्यौहार और उस दिन एक इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा ज्वेलरी लेके चले जाना एक चैलेंजिंग विषय था। तो उसी समय से पूरी टीम लगाई गई और उनसे बात की गई, परिजनों से कुछ क्लू मिला, कुछ सर्विलांस से, कुछ CCTV फुटेज से ये जानकारी हुई और उसके आधार पर ये मुलजिम है। एक तो इनका एक खास रिश्तेदार जो सारू भाई है नरेंद्र गुप्ता का, विनोद सिंह लोधी, इसकी पूरी मुखबिरी और इसकी पूरी सेटिंग, इसकी शॉर्ट काट से ये घटना हुई और इसमें राकेश सरोज और सुमित दो, एक नवस्था का और दूसरा जो बाबूपुरवा निवासी है, इन लोगों ने ये घटना अंजाम दिया था और ये ले जा कर के गए। इसके बाद जो बरामदगी हुई है पूरा का पूरा जितना भी सामान था, एक तिजोरी भी उठा ले गए थे, तो जितनी भी बरामदगी, जितना भी सामान ले गए थे टोटल सामान इनके कब्जे से बरामद हो गया, जिसमें 3,79,000 नगद बरामद हुआ है और 1837 ग्राम चांदी के जेवर तथा 712.39 ग्राम सोने के जेवर पूरी तौर से बरामद हुए, जिनकी कीमत 35 लाख सोने के जेवर की है और चांदी के जेवर की 1,30,000 करीब है। टोटल बरामदगी देखी जाए तो टोटल लगभग 40 लाख की बरामदगी हुई है और ये केस वर्कआउट हुआ है आपके सामने है। काफ़ी चैलेंजिंग था और आपका भी काफ़ी सहयोग रहा है और इसमें हमारी पुलिस जो इसमें लगी रही। कितने गिरफ्तार हुए? 3 मुलजिम है, 3 मुलजिम है। ये बात सही है। देखिए, मुकदमा जो दर्ज हुआ था उसकी तहरीर के आधार पर हुआ था और उस समय चूंकि इस संज्ञान में आ गया तो उसी के आधार पर ही इसको अल्टर कर दिया गया, लूट में अल्टर कर लिया गया। उसमें अगर कहीं पर लापरवाही तो उसकी अलग से प्रत्यक्ष से जांच की जाएगी, उसमें अलग कार्रवाई की जाएगी, उसको अलग जानकारी मिली है कि ADR DCP और CVA DCP साहब की मॉनिटरिंग में पूरी टीम ने इसमें पूरा फोकस किया गुड़वा करने को लेकर, इसमें क्या पूरा यानी कि ऑपरेट करते रहे शुरुआत से एंड तक ये खुलासा होना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।